close till I get up. So hello everyone, welcome back to आज चैनल पथिकनामा। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे हमारी तरह। ठीक है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। हाँ, और हम निकल गए हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। बेसिकली इसका नाम है खजियार। हाँ जी, हम जा रहे हैं खजियार। सो आप भी चलो ना हमारे साथ, क्योंकि हम अकेले क्यों जाएंगे। मिनी स्विट्जरलैंड इंडिया का। हाँ, देखते हैं कैसा है। अब वो जाके पता पता चलेगा, लेकिन जाके, क्योंकि ये जो हमारी ट्रिप है ना, इस ट्रिप का नाम मैं रखना चाहूंगा क्या, चलती का नाम पपलू। क्योंकि भाई कट ही जा रहा है हमारा, और कुछ नहीं है। तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ कट जाता है। इसीलिए चलती का नाम पपलू। वेलकम, सो दोबारा वेलकम करता हूँ एक बार ना। ठीक है, सो वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ न्यू एपिसोड ऑफ चलती का नाम पपलू। नया नाम रखा है कुछ नया। हाँ, आज कुछ नया। सो बेसिकली अब ये है कि आशीष और ऋषभ तो ऑलरेडी निकल गए हैं, मैं थोड़ा लेट हो गया था नहाने में तो मैं निकल गया। फिर अब जो है निकल गए। हाँ, वही बता रहा हूँ ना कि मैं थोड़ा लेट हो गया था, और कुछ नहीं मेरे चक्कर में भी, बस भाई बैठा हुआ था और कुछ नहीं। धूप बढ़िया लग रही है क्योंकि टेम्परेचर सर्दी भी ठीक है। रात टेम्परेचर क्या था? रात तो बहुत ज़्यादा जीरो जीरो था, बर्फ पड़ी नहीं, वरना जीरो में बर्फ पड़ मजा आ गया, लेकिन भाई ठंडा बहुत था। वेट तो कर रहे थे हम। हाँ, आज पड़ गया रात को ना, मजा आ जाएगा भाई का। अरे हाँ, आपकी बात तो बना भूल गए भाई, आज भाई का बर्थडे भी था यार। हैप्पी बर्थडे भाई। अरे बोल लो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। प्लीज कमेंट में भाई को विश करो यार, पिछली बार की तरह, है ना भाई? हाँ भाई। चलो अब हम बाहर चलते हैं, और बस से जा रहे हैं हम आगे। हमने इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही घूमना है सारा, बस गाड़ी जो जो मिल गया। सो बाकी बाहर चलते हैं, भाइयों से मिलते हैं, फिर हम आगे का प्रोग्राम देखते हैं। Side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, so finally, अब हम पहुंच गए हैं भाई लोग खजियार। भाई जगह बहुत बढ़िया लग रही है, मतलब एक नजर में प्यार होने वाली जगह होगी, हैं? Yes. बढ़िया है। Ultimate. अभी दिखाएंगे। पहले हम खुद तो देख लें, पहले हम खुद तो देख लें। बताएंगे ना कैसी लग रही है भाई, कैसी लग रही है? बताओ बताओ। नहीं, से मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। प्यार हो जाता है तभी तो बोला जाता है। बस ये कि हम लोग के थोड़ा भी, हम सोच रहे थे कि स्नोफॉल भी मिल जाती तो और अच्छा होता, क्योंकि थोड़ा बुग्याल वैसा है ना ओपन में, यहाँ पे थोड़ी होती ना, कम होती। बाकी बाकी अभी थोड़ा सा एक प्लान बन रहा है भाई का अभी। वो भी हम भाई को लटकाने वाले हैं, बाद में सोचेंगे। हम भाई को लटकाने का सोच रहे हैं, देखते हैं उसके लिए भी कहाँ लटकाने वाले हैं, वो सोचते हैं। ऊपर कर लिया, ऊपर कर लिया पैर, और ऊंचे कर, और ऊंचे कर लिया। जगह सोच रहा हूँ लटकाने की ना इसको, मैं कहाँ लटकने जाएगा भाई, देखते हैं। ठीक है, सो चल जाएगा। चलो यार, बेसिकली हम व्यू के मजे हम ले रहे हैं, आपको भी दिलवाते हैं, दिखाते हैं क्या प्यारी जगह लग रही है। देखो आप भी हमारे साथ। सो भाई कहाँ जा रहे हो? लटकने। जो भी बोला था ना, लटकने लटकाने, तो लटकाने जा रहे हैं इनको। अभी देखना कहाँ लटकेंगे। यार बेसिकली अभी तो प्लान तो वैसे चारों का है,
अभी पता नहीं है लेकिन, पर अभी थोड़ा कट भी सकता है बीच में कोई भाजी मार सकता है। बीच में बीच ट्रिप पे बहुत कटा है, बहुत कटा है भाई, सही बात है। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद चीज में कटा है हर चीज। तो आज को मैंने बताया था ना भाई कौन सा एपिसोड था हमारा चलती का नाम कटना। अरे आज के एपिसोड का नाम है भाई हमारे ये भी कह रहे देखो हाँ चलो हम करेंगे कुछ सही कह रहे हो ना भाई, हम करेंगे ना कुछ, सब करेंगे। क्या करने वाले हो वैसे? डार्लिंग का बर्थडे। हाँ भाई हनी, ये बर्थडे गिफ्ट है भाई। कहाँ गया हनी? हनी डार्लिंग गया। बताओ तो फिर हाँ भाई क्या करने जा रहे हो तुम? ये आज हवा में उड़ेंगे, आज ये हवा में उड़ेगा, आज ये बोलेगा मेरे को 100-200 ज्यादा ले लो। फ्लाइट पकड़ा रहा, कैसा लग रहा है भाई? पूरे हालत ऐसी होगी ना, गला पूरा सूखा पड़ा है इस टाइम और सांस नहीं आ रही थी भाई, हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी ना बीच में, अभी ऊपर चढ़ते हुए हन्नी की भी मेरी भी बैठ गए थे भाई हम दोनों। अभी भाई रास्ता पूरा ब्लैंक पड़ा है, कहाँ है दोनों, कहाँ है? बोरे बोरे दिख रहे मेरे को यहाँ से, कहाँ बताओ, दिखाऊँ? हाँ नीचे, वो नीचे खड़े हुए हैं, जूम करके देखा हूँ अगर दिख जाए आपको, ये रहे ये भाई, हालत ऐसी होगी थी ना गोयल बंधु भाई, मेरी हालत तो ऐसी होगी बस क्या ही कहना। और मेरी भाई तू तो पहुंच गया जल्दी भाई, मेरी हालत ऐसी होगी थी ना बस मैं क्या कहूँ, लेकिन भाई यहाँ का व्यू इतना प्यारा आ रहा है ना यहाँ पे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अल्टीमेट व्यू है, मतलब पूरा सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं स्नो उस पे अल्टीमेट। इससे पूछते हैं हनी से कैसा लगा, हनी भाई कैसा लगा भाई कुछ तो बोलो, आवाज तो निकालो, मत पूछो असलियत निकल भाई। लेकिन यहाँ का जो व्यू है ना सामने, ओए 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 अल्टीमेट ये स्नो व्यू है यार भाई, क्या ही प्यारा है, मतलब वहाँ से स्नो दिख रही है पूरे पहाड़ों की, है पूरी धौलदार रेंज इस समय बाइक रुकती है। सुशील साहब तैयार उड़ने के लिए, तैयार दूसरा भाई का है, दूसरे भाई से मिल के आऊं मैं आपको लगेगा कि ढंग से नहीं बैठ पाया ऐसे करके ना, किस सबके पीछे बैठना है ठीक है सर, नौबत पड़ेगी तब ऐसे नहीं, तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। हाँ जी गंजे भाई साहब रेडी साले, हराम खोर रेडी है मर गए है। अच्छा एक बात तो बता कैसा फील हो रहा है अभी नीचे उतर के, तब एक्सपीरियंस डर के नहीं लग रहा है? चल सबसे पहले मैंने ही तुम लोग को कन्विंस किया, क्योंकि मेरा तो कैंसिल है, मैं तो कर नहीं रहा हूँ, पढ़ा मारूंगा मैं मिलूंगा तुम्हें नीचे, देख या तो तू पैदल निकल ले, निकल जाऊंगा पैदल। अच्छा चढ़ने में तुम्हारी हालत खराब होगी, चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, चलो यहाँ से तो वहाँ से कोई मिलेगा नहीं तुझे वापसी छोड़ने के लिए, पैदल जाना पड़ेगा वहाँ पे। कर आओ भैया, कैंसिलेशन का कोई वो नहीं है, था था था
वो हमने सारा पता किया था भाई। अरे नहीं so, भाई चल तू चुप रह। भाई कैसा लग रहा है? मैं उधर से पूछता हूँ, अब बताओ तुम पूरे रेडी हो? कैसा लग रहा है? मस्त मजा अभी आने वाला है असली। साथ में कैमरा लेके जा रहे हो? वीडियो बनाओगे अपनी? यो यो बाबा यो। चलो लो एक रनिंग, रनिंग छोड़ लेते हैं आपका। सो सी ए साहब अब चलने के लिए तैयार हैं। पहले ये हो गए सी ए साहब एकदम रेडी, रेडी फॉर फ्लाई। अभी यहाँ से रनिंग शुरू होगी इनकी, फिर टेक ऑफ कर देगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So, काफी इंतजार के बाद अब ठाकुर साहब की भी बारी आ ही गई है। उससे अच्छा आसमान दिखा दिया, देखो आ रहा है। ये छोटा छोटा दिख रहा है आपको, एक ठाकुर साहब आ रहे हैं हमारे। अब ठीक है, ये आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। उठ रही गो, उठ रही। ये भाग गया। तो फाइनली हम ना क्या करके आए हैं? हम नहीं करके आए, हम तो पागल बन के आए हैं सिर्फ हम दोनों। हम ट्रैक मार के आए। हाँ वही तो, हम भी कुछ करके आए हैं, एक ट्रैक करके आए हैं। भाई ये ऋषभ भाई हमारे और आशीष भाई, इन्होंने पैराग्लाइडिंग पूरी कर ली है। हमने नहीं की, हमने नहीं करी, हमने ट्रैकिंग करी है। और मन नहीं हो रहा पकड़ने का, बस और कुछ नहीं, मन नहीं हो रहा। सही बात है, मन भी नहीं हो रहा। तो थोड़ा ना मतलब ट्रैक करके हम जब ऊपर चढ़े वहीं में थक गए थे, तो मन ही नहीं आ फिर कि कुछ करें। पीछे देखो व्यू, व्यू बहुत प्यारा है हमारे बैकग्राउंड में। और एक चीज़ मैं और दिखानी है, उसी के लिए यहाँ ऊपर चढ़ गया है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो बैकग्राउंड में, ये कल शाम को बैठेंगे ना, ये प्यारा सा लग रहा है यार बहुत। घर जाना, ये घर है क्या है पता, अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बार यहाँ से भी व्यू दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। व्यू बहुत प्यारा है यार, मतलब जो पीछे पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, वाइट बर्फ पड़ी हुई है जहाँ पे। जूम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये देखो बर्फ, चैन चैन, ये बर्फ मिल गई हमारे को, बर्फ मिल गई। बाकी व्यू बहुत प्यारा है यार। तो अभी एक ये देखो, ये घर घर है क्या है देखते हैं एक बार, देखिए बहुत प्यारा लग रहा था जो कि। अब और एक मैं, मेरे को ये पेड़ पे फोटो अच्छी आने के लग रहा है, चांस देखते हैं एक बार जाके क्या होता है। क्योंकि जो चीज़ माइंड में आ रही है ना, अगर वो चीज़ मिल गई तो मज़ा आ जाएगा। और बाकी फ़ोटोज़ का आपको पता ही है कहाँ मिलेंगी सारी, इंस्टाग्राम पे आईडी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, वहीं फ़ोटोज़ मिल जाएंगी आपको सारी। सो चलते हैं एक बार यहाँ पे, कुछ फोटोज़ क्लिक करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। सबसे मस्त चीज़ आपको एक दिखाता हूँ, मतलब इस टाइम देख रहे हो आप धूप कितनी तेज़ है यहाँ पे, है ना। और ऊपर देखो चांद भी दिख रहा है, और इस साइड सूरज है, इस साइड चांद है। क्या प्यारा, मतलब आप समझ सकते हो क्या प्यारा व्यू रखा है यहाँ पे। इसमें मज़ा ही अलग आ रहा है यार जगह देख के।
वापस आ गए कजियार से आ गए वापस डलौरी हो गई है सर्दी बहुत दिन में हमें पता नहीं चला सर्दी का लेकिन हाँ सुबह शाम की बहुत अच्छी दिन में क्यों नहीं पता चला क्योंकि वहां पे धूप अच्छी थी इसलिए नहीं पता चला पर भाई जाके अच्छा लगा धरो ठंडे मतलब खजियार जाके मजा आया अल्टीमेट जगह मतलब कल तक हम लोग बोल रहे थे कट रहा है कट रहा है कट रहा है लेकिन ये बट हाँ थोड़ा वसूल हो गया ये ट्रिप जो आज किया खजियार का जो पूरा घूमे हम लोग वो बहुत वसूल हो गया मेरा और ऋषभ का तो सबसे ज्यादा वसूल हो गया भाई वो आपको पता चली चुका कैसे हो गया बढ़िया रहा वो और थोड़ा आपको मतलब डिटेल ये हम बता देते हैं थोड़ा भाई कैसे कैसे खर्चा था क्या क्या हुआ क्योंकि आप लोग को भी हेल्प मिलेगी इससे कभी आप फ्यूचर में आओगे तो आपको आधी चीजें पता रहेगी क्योंकि हमने काफी चीज लोकल ट्रांसपोर्ट से किया तो हमें पूरा पता है मोस्टली लोकल ट्रांसपोर्ट से किया मतलब हमने कहीं पे भी हमने प्राइवेट कोई गाड़ी नहीं की ना टैक्सी की आज हाँ। अभी तक टैक्सी भी कोई प्राइवेट नहीं की थी हम वहां से भी बस पे आते हैं तब भी उतना एक्सपेंस बैठता तो हमारा कैब में भी उतना ही बैठा सो और पहले जैसे कि हमने स्टार्ट किया था देहरादून से शुरू करते हैं जैसे हमारे देहरादून से जैसे पहले हम सहारनपुर आए सहारनपुर से हमारी ट्रेन थी जैसे कि आपने देखा था सो वहां से हम कैब से आ गए थे है ना भाई वैसे बस की टिकट 100 रुपए क्या जितना मुझे पता है नहीं कैब वाले 150 ले लिए वो मेरे ख्याल बस की भी महंगी हो गई है 100 से मेरे ख्याल ऊपर हो गई है जो हमारे को थोड़ी मतलब इक्वालिटी थी फिर उसके बाद हमने वहां से अपना नॉर्मल ट्रेन जो ये सहारनपुर चलते 11:40 पे लेट हो गई थी हमारे लिए लेट थी हमारा मार्ग सबसे पहला हमारा मार्ग कटा था ट्रेन वेटर हमेशा शेड्यूल देख के चलना घर से कोई फायदा नहीं चेक करके चलो 2 घंटे ट्रेन स्टेशन पे बैठो कोई फायदा नहीं हम बैठे हैं थर्ड एसी की थी वहां से 640 के लगभग हम लोगों ने फिर जैसे हम लोग वहां पे उठे उतरे पठानकोट पे तो हमने वहां से फिर किया डलहौजी के लिए हमने पता किया वो अब ट्रेन स्टेशन से हमें जाना था बस स्टैंड वहां से भी आपको बाहर से दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे कैब करनी है कैब कर लो ऑटो करना कैब बेसिकली सीधा यहीं के लिए मिलेगा हाँ, कैब डायरेक्टली यहां से मिल सकती है 2500 रुपए 2500 रुपए आसपास थी अगर तो, कैब से आना हाँ, तो और हम बस का था लोकल ट्रांसपोर्ट में हमारी दिक्कत हुई लेकिन यह है कि वहां से डायरेक्ट डलहौजी की बस आती है अगर नहीं आती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या तो आप कैब से आ जाओ या फिर आप वहां से ले लो बानीखेत के लिए बस तो वो डलहौजी की बस 150 रुपए के आसपास 150 रुपए का टिकट है उसका डलहौजी पठानकोट से फिर उसके बाद जब हम डलहौजी आके हम अपना रूम वगैरह थे जो कि हमने आपको कल नहीं दिखाया आज भी हाँ, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आप गांधी चौक के पास रूम लेना हाँ। क्योंकि मेन मार्केट वही है आप जब नीचे से आओगे काफी नीचे बस स्टैंड में आपको रूम मिल जाएगा लेकिन आपको मेनली आना इधर ही पड़ेगा आगे जाने के लिए 1.5-2 किलोमीटर खजियार जाने के लिए आगे ही नहीं आना हाँ 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक ये है रूम आपके ऊपर है यहाँ पे 500 से लेके पूरा जहाँ पे रूम में पास में ही पूरा स्ट्रीट फूड है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे मोस्टली और अब बता जैसे कि आप यहाँ से खजियार जाना चाहते हो खजियार जाने के लिए भी आप पे दो ऑप्शन है तीन ऑप्शन है बेसिकली या तो आप अपना बाइक हायर करके चले जाओ या कैब कर लो या बस जैसे हमने बस से ट्रेवल किया था और यहाँ से खजियार के लिए जो बस जाती है 52-52.50 रुपए यही चार्जेस है यहाँ से खजियार के लिए बस का पर पर्सन तो आप मतलब अगर सिंगल पर्सन ट्रेवल कर रहे हो तो आप 100 रुपए में आना जाना कर सकते हो डलहौजी से खजियार बस की टाइमिंग है सुबह आपने मॉर्निंग अगर 9 बजे तो फर्स्ट बस आपको मिल जाएगी 9:15-9:30 के बीच में मतलब बेसिकली 9:15 बोल रहे हैं वैसे जो मतलब 9 से 9:30 के बीच में बस आ जाती है और वहां से बस जो आती है यहाँ का जो हमें पता था बताया लास्ट से आती है 3:30-3:30 एक 3:30 से पहले जो बस है वो 2:15 बजे की फिर उसके बाद 3:30 बजे की बस है मतलब ओवरऑल सब कुछ बजटेड रहा बढ़िया अगर मैं एडवेंचर को इंक्लूड ना करूं तो मेरे ख्याल से पर पर्सन 3.5-4 में निपट जाना चाहिए 4,000 में निपट जाए 5,000 मतलब खाना वाना अगर आप मतलब खाना हमने कोई कमी नहीं की ना हमने पूरा बढ़िया सुबह शाम रात बढ़िया एकदम स्नैक्स सब खाया हमने
तो इस हिसाब से 5 बोल रहा है, मेरे हिसाब से 4,000 में नहीं पड़ रहा। 4,000 में पड़ जाना चाहिए भाई। देखो इसमें तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो आपकी अपनी श्रद्धा है, जितना खा सकते हो खाओ भाई। भाई खाने वाला बंदा हो सकता है 4-5 हज़ार पे सिर्फ खाने पे करते हैं। वो आपके ऊपर है, वो उसमें कुछ नहीं कह सकते, वो आपके ऊपर है। बट लेकिन हाँ फूड अच्छा है, जैसे कि भाई कल काली मिर्च और उसका जो टेस्ट आ रहा था गरम गरम कुल्लड़ में, मस्त एकदम। मार्केट वही है गांधी चौक से, अगर आप उधर से आओगे तो राइट हैंड साइड में पूरी स्ट्रीट है, और गांधी चौक क्रॉस करने के बाद थोड़ा लेफ्ट में जो हथियार वाला रास्ता आता है वहां पे तिप्तन मार्केट है, इंडो तिप्तन मार्केट। दो ही मार्केट है यहाँ पे घूमने के लिए बेसिकली, और सब कुछ आपका इधर ही गांधी चौक के अराउंड ही है। मतलब मैं तो ये नहीं सोचता है कि गांधी चौक के 50 मीटर्स के आउट कुछ है, 50 मीटर्स के अंदर ही अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, इजीली आप पूरा कवर कर सकते हो एक दिन में। अगर आपने लोकल को दलौजी तो एक दिन में कवर हो सकता है आपको, खजियार के लिए पूरा दिन चाहिए। खजियार के लिए आपको खजियार के लिए भाई पूरा दिन भी, मेरे को तो ऐसा लगे एक बार को कि पूरा दिन भी हमारे लिए कम था जो हम करके आए, मेरे को बहुत टाइम कम लगा क्योंकि हमें पता नहीं चला कब 3 बज गए वहां पे, पता नहीं चला उसका। सो अभी तक तो हमारा जो हुआ हमने आपको बता दिया, मजा आया, फुल एंजॉय करा है। यहाँ से पठानकोट जा रहे हैं, कल सुबह हम पठानकोट के लिए निकल जाएंगे। अब वहां पे देखते हैं, जल्दी पहुंच गए तो शायद थोड़ा सा वहां पे अगर होगा तो शायद वहां पे भी वो भी थोड़ा एक्सप्लोर करके अगर हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देख ही लेंगे। बट वहां पे हाँ एक चीज मेरे को याद आ रही है, जो यहाँ आने से पहले इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, कौन सा चौक है वहाँ पे, पटेल चौक है, पटेल चौक है वहां जरूर जाएंगे, वहां पे कुछ खाने पीने का है तो हम जरूर जाएंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से निकलेंगे। तो फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि कल का क्या हिसाब किताब बैठेगा, कल आज पता चल जाएगा नहीं। आज तो के लिए तो कल पता चल जाएगा, सही बात है। सो फिर आज के लिए इतना ही, आज का जो ब्लॉग था आई थिंक आपको पसंद आया, ये वाला एपिसोड भी आई थिंक अभी आगे एक एपिसोड और आएगा इसके बाद जो हमारा कल वाला होगा वो आप देखोगे। तो 3 एपिसोड हैं, ज्यादा बड़े नहीं, 3 ही हैं, ज्यादा नहीं। अगर आपने इससे पहले वाला नहीं देखा तो प्लीज देख लेना कि हम कैसे आए हैं, कि हमारा कैसे कट 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 आ गया है, खजियार कटते कटते कैसे आए हम। आप आज के एपिसोड का नाम याद है ना, मिल जाएगा आपको। चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो। तो जाने से पहले एक चीज बता देते हैं दोबारे, इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो करना, आईडी आ रही है आपकी स्क्रीन पे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को आगे शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ऑल करके। टन 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 ऐसे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, तो देखते रहिए हमारे को अगली बार भी। चलो बाय।